तो फ्रेंड्स, हर वीकेंड की तरह इस बार भी मैंने कुछ प्लांट्स बाय किए हैं, वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कहाँ से बाय किए वो भी शेयर कर दूँगी और किस रेट में बाय किए वो भी सब मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली मुझे देसी जरबेराज मिले। और देसी जरबेरा काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रही थी, पर मुझे ज़्यादातर नर्सरीज में हाइब्रिड ही दिख रहे थे तो मैं बाय नहीं कर रही थी। पर अभी फाइनली मुझे मिल गए हैं तो मैंने बाय कर लिया है। तो इसके साथ ही साथ तो मैं कुछ गार्डन में जो काम हुआ था वो भी आप लोग को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट था, रेड कलर का है, एकदम टमाटर वाला रेड कलर, ये मेरा बड़ा फेवरेट कलर है। तो ये भी देसी वाला जरबरा है। और साथ ही साथ एक ये लिया है मैंने, ये ऑरेंज शेड है और ये भी देसी वाला ही जरबरा है, जो कि मैंने आप लोग के साथ कल वीडियो में शेयर भी किया था जब नर्सरी विजिट वाली वीडियो बनाई थी। तो ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये मैंने उसी नर्सरी से लिए हैं जहाँ की कल वीडियो बनाई थी। और सभी प्लांट्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से तीन प्लांट्स हैं, यहाँ पर तीन चार प्लांट्स हैं, एक दो तीन चार बन रहे हैं, चार प्लांट। तो ये जो ये पूरा है ये मुझे 120 का बोल रहे थे तो 100 रुपीज़ ईच मिला है, तो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट कर दिया। और इस वाले में भी ऐसे तीन चार प्लांट लग रहे हैं मुझे, तो ये 100 रुपीज़ वाले हैं, 120 का बोलेंगे तो 100 रुपीज़ का दिया था। तो ये दो प्लांट्स मैंने बाय किए हैं। फिर नेक्स्ट मैंने ये एक जीजी प्लांट बाय किया है, ऑल दो ये प्लांट मेरे पास एक सिंगल स्टिक में है जो मेरे फ्रेंड्स हैं आयुषी तन्मय, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। बट ये पूरा ऐसे पूरा भरा हुआ प्लांट मिल रहा था तो ये फिर मैंने ले लिया। और ये मुझे मिला है 400 का बोल रहे थे तो ये मुझे मिला है 350 का। और ये मैंने बाय किया है एक रोड साइड वेंडर से, ये किसी नर्सरी से बाय नहीं किया है। तो रोड साइड वेंडर ने थोड़ा सा रेट कम भी करे, नर्सरीज में तो 450 से कम नहीं कर रहे हैं, 400-450। फिर नेक्स्ट प्लांट है आज की शॉपिंग का, वो है ये कैलाथिया। और आपको थोड़ा सा इसकी कंडीशन ठीक भी नहीं लग रही होगी, थोड़ा सा इसके पत्ते ख़राब से हो रहे हैं यहाँ पर, बट प्लांट ठीक लग रहा था मुझे क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे तो काफ़ी सारे जो है प्लांट्स हैं, एक दो तीन चार ऐसे करके निकले हुए हैं। तो ये मुझे ठीक लग रहा था, इसे भी 400 बोल रहा था तो इससे मुझे 350 रुपीज़ में फिर दे दिया, 50 रुपीज़ डिस्काउंट में। और कैलाथियास मैं कलेक्ट भी कर रही हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा रहा, तो ये मैंने एक ले लिया है। फिर एक ये वाला जरबेरा भी लिया है, ये भी एकदम रेड कलर का है और रेड कलर तो है ही मेरा फेवरेट क्योंकि बड़ा आई कैचिंग लगता है। और ये लेकिन ये हाइब्रिड वाला है और ये इस तरीके से पॉट में लगा हुआ प्लांट मिला है। और ये बाय किया है रोड साइड वेंडर जहाँ से मैंने कैलाथिया और ये जीजी प्लांट बाय किया, वहीं से बाय किया है। और इसको मुझे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी मिट्टी मुझे टाइट लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रूट्स वगैरह हैं अच्छे से ग्रो हुई हैं, ऊपर भी आ गई है, बट थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो प्लांट है मुझे मिला है 80 रुपीज़ में। और फिर एक ये वाइट वाला भी लिया है। अब ये दोनों जो प्लांट थे ये मैंने पहले ले लिए थे, जो मैंने आपको देसी वाला दिखाया उससे पहले मैंने ले लिए थे क्योंकि वो जो देसी की सर्च थी वो जारी थी और देसी जरबरा मिल नहीं रहे थे। फिर ये हुआ कि चलो नहीं से हाँ अच्छी है तो फिर ये मैंने ले लिए थे। तो एक ये वाइट वाला भी लिया हुआ था तो ये भी लेकिन है हाइब्रिड ही, ये देसी नहीं है। तो ये दो प्लांट मैंने ले लिए थे देसी सर्च करते करते, हाइब्रिड पे एंड अप करना का सोचा मैंने, फिर ले लिया, खैर फिर मुझे देसी भी मिल गए तो ये भी 80 रुपीज़ का ही मिला है। अब जल्दी से देख लीजिए आप लोग स्टैंड, मेरे स्टैंड का काम पूरा हो चुका था तो ये जो नीचे की भीड़ थी पूरी इसे मैंने ऊपर रख दिया है। और ये स्टैंड इस तरीके से बने हैं, यहाँ पर जो एंगल जा रहा था इसी में इन्होंने ऐसे सपोर्ट देके, ऐसे जो आप देख रहे हो वहाँ पे सरिया, वहाँ की सपोर्ट देके और पूरा यहाँ पे बना दिया है। और इसमें मैंने ये हैंगिंग जो प्लांटर्स थे अभी ऐसे करके हुक, तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अभी एडजस्ट हो गए हैं गमलों में, अब पेंट करना बाकी है। और नीचे भी थोड़ा सा जो स्पेस की प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो गई है। और नीचे भी अभी भी पूरे तरीके से तो स्टैंड पे नहीं आए हैं बट काफ़ी हद तक आ गए हैं,
तो यहाँ पर भी एक स्टैंड, बीच में भी कुछ मटेरियल बच रहा था तो ये मैंने पेंट करा के स्टैंड एक बनवा दिया था, इसे पेंट करा के और फिर मैंने रख दिया है। तो अभी इस तरीके से थोड़ा सा इंडोर सेक्शन ऑर्गेनाइज होने लग गया है। तो अच्छा तो ये रहा कि ये यहाँ पर एंगल गया ही हुआ था और यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ऐसे इससे सपोर्ट दे दिया एंगल से, और इस तरीके से सारे गमले अच्छे से आ गए, इधर भी आ गए और यहाँ पर भी थोड़ा सा क्लीन सा लगने लगा है। अभी थोड़ा सा सब कुछ साफ सुथरा सा हो गया है, थोड़ा बहुत अरेंज हो गया है गार्डन। और ये जो आप लोग के साथ एंथूरियम शेयर किया था, उसमें घर में आने के बाद ये पहली बार एक नया फ्लावर ब्लूम किया है। तो इस तरीके से पूरा मैंने अभी सेट कर दिया है यहाँ पर। अब बाकी बहुत सारे भी काम बाकी हैं, कुछ कुछ गमले अभी भी स्टैंड पे नहीं आ पाए हैं, उन्हें बाद में करेंगे, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। और ये स्ट्रिंग्स हैं अलग अलग तरीके की, जो एक में ही ग्रो करी हुई हैं, तो ये सब अच्छे से टंग गई, नहीं तो ऐसे ज़मीन में पड़ी रहती थी, इधर उधर पड़ी रहती थी। और आजकल तो इनका सीज़न भी है, बहुत सारी ग्रो हो रही हैं। और ये देखो आप, कुछ टूट भी गई है। तो खैर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डॉल्फिन, और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं, सभी के सभी इसी में ही हैं। और ये डॉल्फिन टूट गई थी, खैर इसे भी लगा दूंगी, इस टाइम तो सक्यूलेंट्स लग ही जाते हैं। और यहाँ पर ये जो कैक्टस सक्यूलेंट जो बाय किए थे, वो मिक्स मैच करके सारे लगा दिए हैं ऐसे करके। यहाँ पर भी हैं कुछ सारे, ये भी लगा दिए हैं। तो सब खूब अच्छे से यहाँ पर, इनको ठंडक सी भी बनी रहती। और यहाँ पर बेस्ट है कि ऊपर ग्रीन नेट लगी हुई है, तो ओस नहीं पड़ती है इनके ऊपर, पाला जो होता है पाले से ख़राब हो जाते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं। और ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है, इसमें भी ग्रोथ आ रही है। ये थोड़े स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, बट ये भी अच्छे से यहाँ पर चल रहे हैं। और ये एक बनाना भी लगा हुआ है, ये है एक ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना। तो सब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉपिंग भी अच्छी लगी होगी, स्टैंड भी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।